दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत सारे जो आप लोगों के शक हैं उन पर बात करेंगे कि क्या यूएसटी की तरह यूएसडीटी या बीयूएसडीटी जो है वो भी आगे आने वाले टाइम में क्रैश हो सकता है, और हम बात करेंगे कि इस नए सिनेरियो में जब आप देख रहे हैं कि लूना जो है वो ज़ीरो हो गया है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हमें क्या करना चाहिए क्रिप्टो में, क्या क्रिप्टो जो है आने वाले टाइम में डेड हो जाएगी, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्रिप्टो की बिटकॉइन आगे आने वाले टाइम में, उस पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और कुछ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लेंगे जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएसटी की। आपने देखा कि यूएसटी और लूना टेरा जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, 99.99% जो है वो डाउन हो गए। तो मैं बात आज आपको इस बारे में करना जा रहा हूँ कि क्या इस तरीके की हालत जो है वो और भी स्टेबल कॉइन में आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेबल कॉइन चल रहे हैं और जिसमें मेन है यूएसडीटी जो टेरा की तरफ से लागू किया गया है और कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से डॉलर से बैक्ड है। तो पोजीशन क्या है उसकी और क्या पोजीशन बन सकती है आने वाले टाइम में, तो मैं आपको एक खबर पर लेके चलता हूं जो कुछ दिन पहले आई थी। फोर्ब्स की तरफ से एक खबर आई थी और तो उन्होंने कहा था कि टेथर यूएस डॉलर पैग इज नो लॉन्गर क्रेडिबल, ये उन्होंने अपने इस लेख में कहा था। और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, जब भी किसी नए क्वाइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग जो है विश्वास करते हैं उस टीम के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो पता नहीं होती, वो बैक टू डोर होती हैं जिसको आप नहीं पता कर सकते। आपको केवल विश्वास करना पड़ता है उसकी टीम पर, उसके क्रिएटर पर, उसके फाउंडर्स पर, उसके डेवलपर पर, तब आप उसको करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति जो है लूना की आई, अगर और भी क्वाइन के डेवलपर इस तरीके की कहानी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खराब है ये क्रिप्टोकरेंसी स्पेस के लिए। दोस्तों मैं आपको अब यहाँ बता रहा हूँ यूएसडी और यूएसटी के बारे में, और देखिए यहाँ यूएसडीटी के बारे में, ये लेख जो था टीथर के बारे में था। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इन्होंने जो दावा किया इस वेबसाइट ने और इस लेख में, उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने लिखा था कि सब्जेक्ट टू, देखिए ये कर्सर मेरा दिख रहा है, सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट पर्सनल प्रोफेशनल ऑडिट। तो यहाँ तो उन्होंने ये लिखा, उसके बाद उन्होंने यहाँ देखिए दूसरा जो, उसके बाद कुछ लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, उसके बाद देखिए आप यहाँ लिखा उन्होंने, आवर रिजर्व होल्डिंग आर पब्लिश डेली, द टीथर इज सर्कुलेशन ऑलवेज मैच आवर रिजर्व। यहाँ उन्होंने वो लाइन हटा दी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके की हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी हैपनिंग हो सकती हैं, जबकि हमें बहुत विश्वास है टीथर पर, टीथर की टीम पर। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा डिवर्सिफाई करके रखें, बांट के रखें, थोड़ा बिटकॉइन रखें, थोड़ा इथेरियम रखें, थोड़ा सोल रखें, लिंक में करें, ये ना हो कि आप पूरा का पूरा जो पैसा है अपना लूना में लगा दें। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो जो है वो लूना में लगा रखा था, और आज की पोजीशन ये है कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो जीरो हो गया। दोस्तों हमेशा अगर आप मेरे वीडियो शुरू से फॉलो करते हैं तो ये आपको पता होगा कि ये मैं हमेशा आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा डाइवर्सिफाई, मतलब बाइफरकेट करके रखिएगा। बैंक में भी रखिएगा कुछ पैसे, कुछ पैसे आप प्रॉपर्टी में लगाइएगा, कुछ पैसे आप बिटकॉइन में लगाइए, कुछ अदर कॉइन में लगाइए जो अच्छे कॉइन हैं, जिससे अगर कोई कॉइन डंप होता है लूना की तरह ज़ीरो होता है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ज़ीरो ना हो। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। जैसा मैंने आपको बताता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन जो है उसका बॉटम जो है वो करीबन $25,000, 30,000 से लेके $25,000 तक है। ये मैंने आपको रिपीटेडली आपको बताया है। तो आपको अगर मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ देखिएगा कि बिटकॉइन जो है वो करीबन 26,700 तक पहुँच गया था, नीचे डंप हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह है
कि यहाँ ये थोड़ी देखिए ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये बिटकॉइन ने संभल कर अभी 30,400 पर ये ट्रेड कर रहा है बाइनेंस पर। तो दोस्तों ये एक अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भगवान ना करे कि बिटकॉइन जो है वो $25,000 तक टच करे। उम्मीद करता हूँ कि $30,000 जैसा ये 26,700 तक गया था यही इसका आखिरी बॉटम हो और बिटकॉइन यहाँ से आगे बढ़े। दोस्तों मैं 3 दिन पहले से आपको बता रहा हूँ, ट्विटर पर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप अपना बाइंग जो है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर पोर्टफोलियो बचा हुआ है, USDT बचे हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं, तो आप धीरे धीरे जो है वो अब बिटकॉइन में और अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है इस समय 60-70% 50% जो है वो अल्टकॉइन गिरे हुए हैं। आपका पोर्टफोलियो है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, और फर्स्ट पार्ट अभी लगाइएगा सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर पर, उसके बाद सेकंड पार्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इस तरीके से जो है अगर आप बाय करते हैं तो आप उसको डिप में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है, आपको पार्ट में बाय करना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ग्रीनरी अब जो है छा गई है 30,400 पर, जैसे मैंने आपको बताया है। इथेरियम ने भी 5% के करीब अप किया है, BNB भी थोड़ा सा 13% बढ़ा है, सोल भी जो है वो करीबन 12% बढ़ गया है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे जो है क्वाइंस ने काफ़ी अच्छा जो है वो अपना रिकवर करना शुरू कर दिया है। USDT जो पीछे जो कल तक काफ़ी डाउन जा रहा था, USDT में जो लोग शक कर रहे थे कि क्या USDT भी डाउन हो सकता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि USDT भी जो है वो $0.999 का अभी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो USDT है ये भी आने वाले टाइम में $1 का हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं अगर लूना के बारे में कि आपको क्या करना है, जिनके पास लूना बचे हुए हैं या लूना जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। और यहां देखिए टेरा लूना जो है वो करीबन 99.96% जो है डाउन हो गया है, मतलब जीरो हो गया एक तरीके से, इसमें कुछ नहीं बचा है। और बहुत सारी एक्सचेंज जो है वो इसको यहाँ आप देख सकते हैं डीलिस्ट कर चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सचेंज जो है नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो ये सारी जो है वो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है अभी एक्सचेंज पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के बाइनेंस के ऊपर है उनको एक्सचेंज जो है आने वाले टाइम में उनको वहां से निकाल कर अपने वॉलेट में रखने का एक मौका जरूर देगी आने वाले टाइम में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्या टेरा लूना जो है वो उठने की उम्मीद है या नहीं है या बिल्कुल जीरो हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे जो टीम है वो अभी सुनी है कि काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी जो टेरा है उनको जलाया गया है, बर्न किया गया है, और वो इस फिराक में है कि किसी तरीके से ये क्वाइन जो है वो फिर से अप हो जाए। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी टेरा लूना पड़े हुए हैं पड़े रहने दीजिएगा। मुझे लगता है कि 1% चांस अभी भी बनता है कि टेरा लूना फिर से रिकवर कर जाए, जिस तरीके से इनकी जो टीम है वो काम कर रही है USDT के ऊपर और टेरा लूना की तरफ। तो दोस्तों धैर्य रखिएगा, टाइम हमेशा खराब नहीं रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम अच्छा भी आता है। तो आप इसको होल्ड करके रखिएगा, ये मान के रखिएगा कि ये तो आपको जीरो हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कुछ भी चीज पॉजिटिव होती है टेरा के साथ तो वो आपको बहुत अच्छा इनकम दे सकती है। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, टीम अभी भी कुछ करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। उन लोगों ने ट्वीट किया है कि काफ़ी कुछ वो अभी प्लानिंग में चल रहे हैं इसको सुधारने के लिए। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और क्या भविष्य इसका आ सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं न्यूज और अपडेट की जो बहुत अच्छी आ रही है बिटकॉइन के बारे में। और ये जो न्यूज है ये है UAE की तरफ से। आपको पता है एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो विश्व की बहुत बड़ी एयरलाइन है, और इन्होंने जो है वो पेमेंट ऑप्शन जो है बिटकॉइन में चालू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मतलब आप एमिरेट्स की टिकट्स जो है वो बिटकॉइन से बाई कर सकते हैं। ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर मैं आपको बताता हूँ कि अगली खबर जो आ रही है वो जापान की तरफ से आ रही है, और जापान की एक ब्रोकरेज गिगंट जो है उसका नाम है नुमुरा, और नुमुरा ने जो है अभी ऑफरिंग कर दिया है। नुमुरा ने अभी बिटकॉइन डेरिवेटिव्स जो है वो ऑफर कर दिया है, और बहुत ही जल्दी एशिया में इसका यूज जो है वो उसके जो क्लाइंट्स हैं वो कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन की। जैसे जैसे बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है उम्मीद करते हैं
और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन आने वाले हालविंग तक 100% जो है वो जाएगा, जो ऑल टाइम हाई है, तो थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा। और दोस्तों अगली खबर भी बहुत अच्छी आ रही है और वो खबर है जर्मनी की तरफ से, और जर्मनी की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर आप एक साल तक अपना क्रिप्टो या बिटकॉइन होल्डिंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेज निर्मला सीतारमन, वो इन चीज़ों से जरूर सीखेंगी और आने वाले टाइम में इंडिया को ऐसी कुछ चीज़ें देंगी जो आने वाले टाइम में क्रिप्टो के लिए अच्छा साबित हो। तो दोस्तों एक और खबर है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और वो आ रही है ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर जो है आपको जैसा पता है कि एलन मस्क ने इसको बाई कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बाइंग की प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है और अभी 100% जो है वो ट्विटर जो है वो बाई नहीं हुआ है एलन मस्क के द्वारा। तो अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि अभी टेम्परेरीली जो है इसको होल्ड कर दिया गया है इस प्रोसेस को, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अमेरिका की वो कुछ डाउट कर रही है उनके कुछ अकाउंट के ऊपर कि उनके कुछ अकाउंट्स ऐसे तो नहीं हैं जो फेक हैं, जो दिखा रहे हैं कि 5% उनके अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना हो, तो इन चीज़ों को वो वेरीफाई करना चाहती हैं और उसके बाद वो जो है ट्विटर को आगे प्रोसेस करेंगी। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको लगातार हमसे मिलती रहती हैं जो आपको अपडेट देती हैं, जानकारी देती हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और अगर आपने हमारा ट्विटर हैंडल जो है वो फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर लें, और टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर भी हम हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो आपको लेटेस्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।